भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन आज सातवें चरण का मतदान पूर्ण होने के बाद अलग अलग न्यूज एजेंसियों और सर्वे करने वाली कंपनियों की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। क्या कहते हैं ये आंकड़े, आइए हम आपको बताते हैं। एबीपी सीओटर के मुताबिक इंडिया गठबंधन 373 सीटें जीत रहा है, जिसमें से बीजेपी को 323 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 155 सीटें इंडिया गठबंधन को यहां पर बताई जा रही है, जिसमें से 65 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 155 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर बात टाइम्स नाउ की करें तो यहां पर टाइम्स नाउ के मुताबिक 386 सीटें एनडीए जीत रही है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 344 सीटें जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 118 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसमें से 37 सीटें सिर्फ कांग्रेस के खाते में जा रही है और अन्य के खाते में टाइम्स नाउ के मुताबिक 82 सीटें जा रही है। अब अगर इंडिया टुडे के सर्वे की बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन को इंडिया टुडे अपने सर्वे में 335 सीटें बता रहा है, जिसमें से बीजेपी को 304 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिल रही है, जिसमें से कांग्रेस 71 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में 42 सीटें यहां पर इंडिया टुडे ने बताया है। अब अगर बात जी न्यूज की करें तो जी न्यूज ने अपने सर्वे में इंडिया गठबंधन को 377 सीटें बताई है, उसमें से बीजेपी के खाते में 351 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 93 सीटें जीत रहा है, लेकिन यहां पर कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है ये जी न्यूज ने अपने सर्वे में नहीं बताया है। बात अन्य की करें तो जी न्यूज के मुताबिक 73 सीटें यहां पर अन्य जीती हुई दिखाई दे रही है।